तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवीज के कुछ अपडेट्स के बारे में और साथ ही बात करेंगे नेटफ्लिक्स के आने वाले कुछ मूवीज और सीरीज के बारे में जिसे आप हिंदी में देख सकेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोनी पिक्चर्स ने विन डीजल की आने वाली मूवी ब्लड शॉट का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ब्लड शॉट बेस्ड है एक कॉमिक बुक पर जिसका नाम वैलियंट कॉमिक्स है। वैलियंट कॉमिक्स डीसी और एमसीयू की तरह ही है लेकिन इसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और आपको यहाँ बता दें कि वैलियंट कॉमिक्स धीरे धीरे अपने सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कराने वाला है और फ्यूचर में हमें इसके टीवी सीरीज और मूवीज देखने को मिलेंगे। फिल्म में विन डीजल को एक मरीन ऑफिसर के रोल में दिखाया गया है जहाँ उनके साथ कुछ बुरा होता है और उनपे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इसकी स्टोरी भी देखने में कुछ कैप्टन की तरह ही लग रही है लेकिन अब ये तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म को अगले साल 21 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। आप इस फिल्म के ट्रेलर को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगली न्यूज द बैटमैन मूवी से निकल कर आ रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगली बैटमैन मूवी के लिए रॉबर्ट पैटिंसन को कास्ट कर लिया गया है और लीक्स के अकॉर्डिंग ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बैटमैन इस मूवी में कैट वोमेन को फेस करेंगे। तो बैटमैन की इस मूवी में कैट वोमेन तो मेन विलेन नहीं होंगी लेकिन बैटमैन के अगेंस्ट होंगी और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बैटमैन इन सब का सामना अकेले कैसे करेंगे। अगली न्यूज जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड से निकल कर आ रही है जहां जैक स्नाइडर ने अपने आने वाली फिल्म के बारे में कुछ डिटेल्स रिवील की हैं। स्नाइडर ने इस फिल्म के कास्ट को रिवील कर दिया है और इस फिल्म के कास्ट में काफी बड़े बड़े नाम हैं। ये फिल्म बेस्ड है जॉम्बी पर और वहीं इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा जिसे आप हिंदी में भी देख सकेंगे। अगली न्यूज सोनी पिक्चर्स की द ग्रज मूवी से निकल कर आ रही है जहां इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज करते हुए इस फिल्म के रिलीज डेट और ट्रेलर के रिलीज डेट को रिवील कर दिया गया है। द ग्रज मूवी के ट्रेलर को 28 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और वहीं इस फिल्म को अगले साल 3 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। द ग्रज सीरीज की यह चौथी फिल्म है और ये मूवी रीमेक मूवी है द ग्रज की। तो इससे पहले रिलीज हुई द ग्रज मूवी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है डीसी यूनिवर्स से जहां हमें वंडर वुमन 2 का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। इससे पहले वंडर वुमन 2 का पोस्टर रिलीज किया गया था और अब इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया जा रहा है और वंडर वुमन 1984 के ट्रेलर को 8 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। अगली न्यूज नेटफ्लिक्स की फिल्म स्वीट गर्ल्स से निकल कर आ रही है जहां इसाबेला मर्ज जिन्हें आप ट्रांसफॉर्मर और डोरा मूवी से जानते हैं उन्होंने इस मूवी को ज्वाइन कर लिया है और इस मूवी में वो जेसन मोमोवा की डॉटर का रोल प्ले करेंगी। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स की एक बड़ी मूवी है और इस मूवी को नेटफ्लिक्स हिंदी में जरूर रिलीज करेगा। मूवी का रिलीज डेट अगले महीने 8 नवंबर रखा गया है। आगे कुछ अपडेट्स है नेटफ्लिक्स के हिंदी डब सीरीज और मूवीज के बारे में जिसे इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया जाएगा। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर डे ब्रेक जिसे 24 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और 25 अक्टूबर को रैटल स्नेक, डोल माइट इज माई नेम और माई नेक्स्ट गेस्ट विद डेविड लेटरमैन एंड शाहरुख खान को रिलीज किया जाएगा। 1 नवंबर को हॉलीडे इन द वाइल्ड और द किंग को रिलीज किया जाएगा और वहीं द किंग नेटफ्लिक्स की काफी बड़ी मूवी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस हफ्ते हम आपको रिकमेंड करेंगे सीजर 7 मूवी जिसे 2008 में रिलीज किया गया था और ये एक काफी अच्छी मूवी है जिसे आप इस हफ्ते देख सकते हैं। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।